Assalamualaikum friends, welcome to back another video. This is Malik Amjad, आप देख रहे हैं टेक्निकल वीडियो चैनल. तो गाइस फाइनली आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं OPPO F21 Pro Plus की. ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा, क्या प्राइस होने वाली है, क्या नए फीचर आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे, कंप्लीट डिटेल के साथ आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं. अगर आप OPPO F21 Pro Plus का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेना है. लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसी वीडियो अपलोड करता हूं. तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे OPPO F21 Pro Plus के डिजाइन की. बैक साइड पे एल्युमिनियम का फ्रेम दिया गया, 4 कैमरास का सेटअप है. फ्रंट पे आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर पर डबल पंच होल कैमरा दिया गया. आप स्मार्टफोन में दो सिम कार्ड जो है वो नैनो सिम इस्तेमाल कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा. अगर बात करें स्मार्टफोन के वेट की तो स्मार्टफोन का जो वेट है वो 164 g होने वाला है. नो डाउट स्मार्टफोन का जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है, आपको अच्छी हैंड फील भी प्रोवाइड करेगा. स्मार्टफोन का डिस्प्ले साइज 6.43 इंच का, साथ आपको रेजोल्यूशन 1080 के दी गई है. रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का दिया गया और स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए आपको स्मार्टफोन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी. अगर बात करें पिक्सल डेंसिटी की तो स्मार्टफोन पर 409 की पिक्सल डेंसिटी भी दी गई है. नो डाउट ओप्पो की कंपनी ने स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर काफी अच्छा काम किया. आप इस स्मार्टफोन को डिस्प्ले वाइज कंसिडर कर सकते हैं. आप बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के रैम एंड वेरियंट की. ये स्मार्टफोन दो वेरियंट में लॉन्च होगा. जो सबसे पहला वेरियंट है वो 8 GB रैम 128 GB रोम के साथ लॉन्च होगा और स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरियंट है वो 8 GB रैम 256 GB रोम के साथ लॉन्च होगा. इस स्मार्टफोन के साथ 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है और साथ आपको 67 W का फास्ट चार्जर इस मोबाइल फोन के बॉक्स के साथ दिया जाएगा. इस स्मार्टफोन के साथ आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 की 5G की चिपसेट दी गई है. नो डाउट इस स्मार्टफोन पर आपको अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी. आप इस स्मार्टफोन को डिस्प्ले वाइज और गेमिंग परफॉर्मेंस वाइज कंसीडर कर सकते हैं. आप बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की. बैक साइड पे 4 कैमरास का सेटअप है. मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का होगा, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया और स्मार्टफोन का जो फोर्थ कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है. साथ आपको एलईडी फ्लैश भी दी गई है. मेन कैमरे से आप 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं. बात करें फ्रंट की तो फ्रंट पे आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर पर जो फर्स्ट कैमरा दिया गया वो 16 MP का है और साथ आपको सेकंड कैमरा 2 MP का देखने को मिलेगा और फ्रंट कैमरे से आप 1080 की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं. आप बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट की. इस स्मार्टफोन में एंड्रॉइड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया, साथ आपको एंड्रॉइड V11 का सॉफ्टवेयर रन करता हुआ नजर आएगा. USB-C टाइप की पोर्ट दी गई है. नो डाउट आप इस स्मार्टफोन को वैल्यू फॉर मनी कंसीडर कर सकते हैं. बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की प्राइस की. इस स्मार्टफोन की प्राइस जो पाकिस्तान में एक्सपेक्ट की जा रही है वो 68,000 है और इस स्मार्टफोन की प्राइस इंडिया के अंदर 38,000 तक एक्सपेक्ट की जा रही है. सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी. ऐसी मजीद लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए अपने भाई के चैनल टेक्निकल बेस्ट को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूं. तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोने मोबाइल फोन के साथ. तब तक मुझे दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.